दोस्तों IPL साल 2021 का सीजन शुरू होने में अब काफी कम समय का टाइम बचा है, जहां पर हाल ही के अंदर हुआ IPL का 13th एडिशन यानी IPL 2020 बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा। 28% बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिली IPL के व्यूअरशिप के अंदर। और यहां पर दोस्तों IPL का 14th एडिशन यानी IPL 2021 जल्दी स्टार्ट होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा रोमांचक और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होने वाला है। काफी सारी एक्साइटमेंट यहां पर होने वाली है, काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है यहां पर IPL के नए सीजन से, और हर दिन IPL से रिलेटेड काफी सारी न्यूज निकल के आती है। आज की वीडियो में मैं आपको दिन भर की टॉप न्यूज बताने वाला हूं, बट उससे पहले आप नीचे जरूर कमेंट करके अपनी फेवरेट टीम का नाम बताएं, कौन सी है ये न्यूज, किस टीमों की तरफ से निकल के आती है लेटेस्ट अपडेट, किन टीम को होने वाला है बड़ा प्रॉफिट, किन टीम को होने वाला है नुकसान। आज की वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड A to Z सभी तरह की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो वीडियो हमेशा की तरह काफी मजेदार, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों अगर आप भी हैं IPL के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा IPL की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों IPL साल 2021 का सीजन शुरू होने में अब काफी कम समय रह गया है और IPL का 14th एडिशन बहुत ही ज्यादा शानदार और मजेदार भी होने वाला है। और IPL के नए एडिशन को लेकर रोजाना काफ़ी सारी खबरें बाहर निकल के आती है। आज तारीख हो चुकी है 1 जनवरी 2021, और आज भी दिन भर में नए एडिशन को लेकर काफ़ी सारी अपडेट्स और काफ़ी सारी न्यूज़ बाहर निकल के आई है। आज की वीडियो में मैं आपको दिन भर की टॉप न्यूज़ और टॉप खबरें बताने वाला हूं। दोस्तों ये सभी न्यूज़ काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आज तारीख है 1 जनवरी और नया साल आ चुका है, हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली, हमारे सभी व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों ये साल आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट साल रहे, यही हमारी शुभकामना है। पहली न्यूज़ बाहर निकल के आती है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया को लेकर। दोस्तों अगला टेस्ट मैच 7 जनवरी को है, और दोस्तों आपको बता दें सिडनी के अंदर ये मुकाबला होने वाला है। रोहित शर्मा अपने स्क्वाड को ज्वाइन कर चुके हैं, वीडियो भी इनका वायरल हुआ था। डेविड वॉर्नर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वापसी करने वाले हैं, बट यहाँ आपको बता दें दोस्तों कि टी नटराजन के खेलने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सोच विचार हुआ था कि क्या टी नटराजन डेब्यू करेंगे या फिर नहीं, बट अब कन्फर्म है कि टी नटराजन डेब्यू करने जा रहे हैं, और दोस्तों अब ये तीनों ही फॉर्मेट खेलने वाले हैं। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि KL राहुल भी टीम में आने वाले हैं और वो हनुमा विहारी को रिप्लेस करेंगे। तो खैर आप नीचे ज़रूर कमेंट कर दीजिए कि क्या 7 जनवरी को होने वाले सिडनी के अंदर टेस्ट मैच में क्या यहां पर भारत परचम लहरा पाएगा, क्या 2-1 सीरीज कर पाएगा। दूसरी न्यूज़ बाहर निकल के आती है मुंबई इंडियंस को लेकर। दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम विश्व के अंदर सभी T20 लीग के अंदर सबसे ज़्यादा मजबूत टीम है, और IPL तो ये 5 बार जीत ही चुकी है, यानी एक तरफा ये अपनी टीम को बना चुकी है। और इस साल इनके लिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि इस साल मिनी ऑक्शन होने वाला है, यानी मेगा ऑक्शन होता तो इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान था, अब इनको इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे और ये बहुत ज़्यादा टीमें हो सकता है 6th बार भी IPL जीत जाए। बट आपको बता दें दोस्तों कि टारगेट ये फिर भी कुछ नए प्लेयर्स को करने वाले हैं, और काफ़ी सारे प्लेयर्स के अंदर से दोस्तों एक प्लेयर ऐसा है जिनको ये टारगेट करने वाले हैं, जो कि हैं डेविड मलान। दोस्तों विश्व के नंबर 1 बैट्समैन है अभी T20 के, हालांकि आपको बता दें डेविड मलान के पीछे 8 में से 5 टीमें हैं, बट मुंबई इंडियंस की टीम ऐसी पहली टीम है जिन्होंने सबसे पहले इनसे बातचीत की है। तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि डेविड मलान किस टीम में ट्रेड हो जाएंगे, किस टीम से आपको खेलते नजर आएंगे 2021 के लिए। तीसरी न्यूज़ बाहर निकल के आती है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तरफ से। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम और चेन्नई के फैंस साल 2020 का प्रदर्शन भूलना चाहेंगे और साल 2021 के अंदर एक नई टीम के साथ मैदान पर उतरना चाहेंगे और ट्रॉफी जीतना चाहेंगे। बट आपको बता दें दोस्तों कि मेगा ऑक्शन होता तो यहाँ चेन्नई की टीम पूरी नई टीम बनाती, बट अब मिनी ऑक्शन है तो जितने प्लेयर्स हो सके वो उतने प्लेयर्स नई टीम में लेकर आएगी। और इसके साथ दोस्तों काफ़ी सारे प्लेयर्स तो टीम रिलीज़ करने ही वाली है, बट अब 3 प्लेयर रिलीज़ हो चुके हैं। और दोस्तों इन फॉर्म रहे साल 2020 के अंदर चेन्नई के सबसे सफल बल्लेबाज रहे और अपने ड्रीम फॉर्म के अंदर रहे केदार जाधव को भी टीम यहाँ रिलीज़ करने वाली है, और केदार जाधव के साथ साथ इमरान ताहिर और हरभजन सिंह को भी रिलीज़ कर देगी, और इनसे जो प्राइज़ मनी मिलेगी उसके साथ लेकर ये मिनी ऑक्शन के अंदर जाने वाली है। तो खैर आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि क्या चेन्नई साल 2021 की चैंपियनशिप जीत पाएगा, क्या IPL 2021 का टाइटल जीत पाएगा। चौथी न्यूज़ बाहर निकल के आती है नए प्लेयर रूल को लेकर। अब दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ 4 फॉरेन प्लेयर खेलें या 5 फॉरेन प्लेयर खेलें, ये एक नया रूल है जो इस साल आने वाला था, और IPL की पहली गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग के अंदर इसके ऊपर कोई भी चर्चा नहीं की। अब जो IPL की नई IPL गवर्निंग काउंसिल होगी उसके अंदर इसके ऊपर फैसला आएगा, बट आपको बता दें दोस्तों कोई भी नई टीम इस साल आपको देखने को नहीं मिलेगी। 8 ही टीमें हैं जिनके 14-14 मैचेस होते हैं, बट यहाँ दोस्तों हो सकता है BCCI एक नया चेंज कर दे। यहाँ दोस्तों 14 में से किन्हीं 3 मैचों के अंदर टीमों को ये इंडिपेंडेंसी जाए, यानी दोस्तों उनको आज़ादी दी जाएगी कि वो किन्हीं 3 मैचों के अंदर कोई भी यहां पर 5 फॉरेन प्लेयर प्लेइंग 11 के अंदर खिला सकती है। तो खैर आप नीचे जरूर कमेंट करके बताएं कि 5 फॉरेन प्लेयर एक टीम में खिलाने चाहिए या 4 फॉरेन प्लेयर वाला रूल ही सबसे बेस्ट है।
पांचवी न्यूज़ निकल के आती है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की टीम एक बहुत ही नई और यंग टीम बन के बाहर आ रही है, काफ़ी अच्छा इनका परफॉर्मेंस है। लास्ट ईयर ये फाइनल में भी गए थे और इसी के साथ अब सभी आठों टीमें फाइनल में पहुँच चुकी है और दिल्ली पहली बार यहाँ फाइनल के अंदर पहुँची थी, हालांकि हार गई। बट अब दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की भी एक रणनीति सामने निकल के आ रही है कि ये एक अच्छे ओपनर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कन्फर्म रूप से पृथ्वी शॉ को टीम से बाहर ये करने वाले हैं। बट आपको बता दें दोस्तों, पृथ्वी शॉ तो जाएंगे ही और जेसन रॉय के तौर पर ये प्लेयर को चूज करने वाले हैं। हालांकि जेसन रॉय पहले भी इनकी टीम के अंदर बने हुए थे, बट यहां दोस्तों जेसन रॉय पर्सनल रीजंस के चलते साल 2020 का सीजन नहीं खेले, बट साल 2021 के सीजन के अंदर जेसन रॉय आपको दिल्ली की टीम से ही देखने को मिल सकते हैं। अभी तक तो यही न्यूज है। खैर, आप नीचे जरूर कमेंट करके बताएं कि पृथ्वी शॉ अगर टीम से जाते हैं तो पृथ्वी शॉ के बदले कौन सा प्लेयर दिल्ली को लेना चाहिए। छठी न्यूज़ बाहर निकल के आती है ऑक्शन 2021 को लेकर। दोस्तों ऑक्शन की डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, ना ही आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की अगली मीटिंग कब है ना ये कंफर्म हुआ है। बट अब आपको बता दें दोस्तों कि आईपीएल की जो संभावित डेट है वो है 15 फरवरी, और दोस्तों 15 फरवरी से 20 फरवरी के बीच भी ये आईपीएल के जो ऑक्शन है वो हो सकता है। बट टाइमिंग जो है दोस्तों, टाइमिंग कंफर्म हो चुकी है और आईपीएल की टाइमिंग है दोस्तों 3 बजे, यानी दिन के 3 बजे आपको आईपीएल का ऑक्शन देखने को मिलेगा। हालांकि डेट अभी कंफर्म नहीं है। यहां दोस्तों पहले ऐसा होता था कि 12 बजे यहां पर आपको ऑक्शन देखने को मिलेगा, बट मिनी ऑक्शन काफ़ी जल्द निपट जाएगा जहां पहले से ही काफ़ी सारे प्लेयर तो रिटेन रहने ही वाले हैं, तो 3 बजे से आपको ये ऑक्शन देखने को मिलेगा। सातवीं न्यूज़ बाहर निकल के आती है न्यूजीलैंड की तरफ से, और दोस्तों न्यूजीलैंड ने रच दिया है इतिहास, और ऐसा पहली बार हुआ है जब से न्यूजीलैंड ने टेस्ट मैचेस खेलना शुरू किए हैं कि न्यूजीलैंड अपनी बेस्ट रैंकिंग पर है, यानी नंबर 1 पर पहुंच चुका है न्यूजीलैंड। ऐसा लाइफ में न्यूजीलैंड के पहले कभी भी नहीं हुआ। न्यूजीलैंड बना हुआ है अभी टेस्ट के अंदर नंबर 1 के ऊपर, और भारत बना हुआ है टेस्ट के अंदर नंबर 2 पर। और दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर जो भी नंबर 1 पर रहेगा उसको काफ़ी बड़ा फायदा भी होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये थी दिन भर की टॉप न्यूज़। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी जरूर लाइक करें।